20 साल बाद आखिरकार बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान को कोर्ट ने काला हिरन मामले में 5 साल की सजा सुना दी। 5 साल की सजा सुनाने के बाद उनको तुरंत जोधपुर की सेंट्रल जेल में ले जाया गया। जोधपुर सेंट्रल जेल से अंदर जाते वक्त की तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन अब हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो जोधपुर जेल के अंदर की है। दरअसल कुछ लोगों ने इस तस्वीरों को इस तरीके से पेश किया है कि सलमान खान अंदर आराम से चेयर पर थानेदार के साथ बैठे हैं, उनको किसी जेल वेल में नहीं बंद किया गया है। चलिए आपको बताते हैं इस तस्वीर की सच्चाई आखिर क्या है। ये आपका वहम होगा कि सलमान खान के साथ वहां पर सुपरस्टार वाला बर्ताव किया जा रहा है। सलमान खान को सिक्योरिटी टाइट जरूर मिली है, क्योंकि उनको जान से मारने की धमकी पहले ही मिल चुकी है और इस जेल के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो सलमान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी टाइट रखी गई है। लेकिन उनको आम कैदियों की तरह ही खाना मिलने वाला है और उससे बढ़कर उनको कुछ नहीं मिलेगा। इस तस्वीर में आपको देखकर लग रहा होगा कि सलमान खान को VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो थानेदार के साथ बैठे हैं। दरअसल सलमान खान जब जेल के अंदर गए तो उनकी मेडिकल जांच के लिए उनको वहां पर बैठाया गया था। मेडिकल जांच में उनके BP और उनके बाकी नॉर्मल चेकअप करने के बाद ही उनको जेल में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि इस चीज की पूरी उम्मीद लगाई जा रही कि सलमान खान को कल ही सेशन कोर्ट से जमानत मिल जाएगी और उनका केस आगे बढ़ जाएगा, तो एक रात सलमान खान को इस जेल में काटनी ही पड़ेगी। लेकिन इन तस्वीरों का सच यही है कि सलमान खान यहां पर आराम से नहीं बैठे हैं, बल्कि मेडिकल चेकअप के लिए बैठे हैं।